गोपालगंज शराब कांड में स्पेशल कोर्ट ने 13 में से 9 दोषियों को फांसी और 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा सुनाई। एक्साइज एक्ट के तहत गठित स्पेशल कोर्ट के जज एडीजे 2 लवकुश कुमार ने सभी दोषियों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। गोपालगंज के खुजरबानी में जहरीली शराब पीने से 16 अगस्त 2016 में 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 6 लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी थी। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 से लागू हुई थी। फैसला आने के बाद दोषियों के परिवार वाले अदालत परिसर में रोने लगे। कुछ लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की। दोषियों के वकीलों का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। 5 साल तक चले मुकदमे के बाद इस मामले में 26 फरवरी को 14 में से 13 लोगों को दोषी ठहरा दिया गया। आज उन्हें सजा सुनाई गई। हालांकि इस कांड का मास्टरमाइंड रुपेश शुक्ला और पंडित अभी भी फरार है। कोर्ट ने उसके खिलाफ रेड वारंट जारी कर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। आपको बता दें अगस्त 2016 में खुजरबानी जहरीली शराब कांड में 19 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। इस घटना के बाद 16 और 17 अगस्त 2016 को गोपालगंज नगर थाना के वार्ड नंबर 25 खजूरबानी में पुलिस ने भारी मात्रा में जहरीली शराब बरामद की थी। इसमें 14 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन एक अभियुक्त ग्रहण पासी की मौत हो जाने के कारण 13 अभियुक्तों के विरुद्ध ट्रायल चल रहा था। मामले में 5 साल तक कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। 26 फरवरी को कोर्ट ने 13 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा के लिए 5 मार्च का दिन मुकर्रर किया।